तो नमस्कार, आपका स्वागत है डियर फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से। आज आप लोग को सूचना देंगे बिहार के सदर अस्पतालों में डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के बारे में। जी हाँ, आज आप लोग का इंटरव्यू है बिहार के मोतिहारी ज़िले में। जी हाँ, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए 15/5/2021 को गए हुए थे अपना इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण सभी अभ्यर्थी को जो है अपने अपने घर भेज दिया गया है रिज्यूम सबमिट करवा के। जी हाँ, जिन्होंने भी जो है डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उनको कहा गया था कि आप लोग के पास SMS आएगा, फिर आप लोग आइएगा इंटरव्यू दीजिएगा। इसी के दरमियान कल जो है 17/5 को जो है SMS आना स्टार्ट हो चुका है और आज जो है 18/5 है। ठीक है, आज जो है इंटरव्यू अभी होना है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो है SMS नहीं आया है। क्यों नहीं आया है वो भी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो कल कुछ इस प्रकार से SMS जो है भेजा जा रहा था कैंडिडेट्स के पास। तो 18/5/2021 1 बजे जो है सभी अभ्यर्थी को बुलाया गया है। तो जिनके पास ये SMS गया है उन्हीं को सिर्फ इंटरव्यू में शामिल होना है। तो आइए जानते हैं किनको यहाँ पर बुलाया गया है। तो आप लोग देख पाएंगे आज न्यूज़ अपडेट हुई है कुछ इस प्रकार से कि ऑपरेटर पद के लिए इंटरव्यू आज। जी हाँ, मोतिहारी ज़िले के COVID-19 को लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 60 अस्थायी पदों पर संविदा आधारित पर जो है नियोजन को लेकर मंगलवार को नगर भवन में सुबह 19 बजे से जो है इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। यहाँ पे 19 बजे लिखा हुआ है, आप लोग का डेट देख लीजिएगा अपना अपना जो SMS में आप लोग का आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सूचना दिया जा रहा है कि इस पद पर पूर्व के कार्यपालक सहायक को पैनल में जो है शामिल अभ्यर्थी की जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए बहाली की जाएगी। तो देख पाएंगे जितने भी कार्यपालक सहायक मोतिहारी ज़िले में पैनल पे बने हुए थे जिनकी ज्वाइनिंग अब तक नहीं हो पाई थी, उन कार्यपालक सहायकों को अभी इन 60 अस्थायी पदों पर 3 माह के लिए बहाल किया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ तौर पे कहा गया है कोई भी फ्रेशर, कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट को यहाँ पे जो है मौका नहीं मिलेगा, कार्यपालक सहायकों को यहाँ पे मौका मिलेगा। जी हाँ, इसको लेकर पूर्व के पैनल में शामिल करीब जो है 300 अभ्यर्थियों को मैसेज भेजा गया है। देख पाएंगे 300 अभ्यर्थियों को यह यहाँ पे मैसेज भेजा गया है, सिर्फ पैनल वालों को, नॉर्मल स्टूडेंट को यहाँ पे जो है SMS नहीं किया है। तो अब आप लोग को बता दें ये जो 300 अभ्यर्थी है इनमें से मात्र 60 अभ्यर्थी को जो है यहाँ पे जॉब मिलेगी, सभी का इंटरव्यू लिया जाएगा। साथ जो है सभी आवश्यक कागजात के साथ पूर्व कार्यपालक सहायकों के पैनल में शामिल अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 15 मई को इस पद पर जो है नियोजन के लिए वॉकन इंटरव्यू का आयोजन राधा कृष्ण भवन में किया गया था, उसमें करीब 5000 आवेदन मिला था। ठीक है, अब अपर जो है सहमता जो है शशि शेखर चौधरी ने कहा बताया है कि कोविड महामारी को देखते हुए डेटा एंट्री ऑपरेटर का नियोजन कार्यपालक सहायकों के पूर्व पैनल से किया जाएगा। तो साफ साफ तौर पर यहाँ पर उन कार्यपालक सहायकों के लिए खुशखबरी है जो वर्षों से पैनल पर वेट कर रहे थे अपने बहाली की, अपनी ज्वाइनिंग की। तो ये पूरी अपडेट्स बिहार मोतिहारी ज़िले के सदर अस्पतालों में डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के बारे में। अब इसके अलावा और 2 इंटरव्यू है जैसे ANM और वार्ड वाई के लिए, तो वो भी उसकी भी मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा इसी मंथ में। ठीक है, तो ये सूचना अब तक थी, हमने आप लोग को अवगत करा दिए। वीडियो यूज़फुल लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी बात कमेंट पे लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द बिहार की और एक वीडियो के साथ और एक नई भर्ती की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।